BYD सील ईवी भारत में हुई लॉन्च, जानेंगे क्या कुछ है इसमें खास, करेंगे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से बात, बताएंगे कैसी है टाटा नेक्सॉन ईवी डार्क एडिशन, जानेंगे कैसी है फॉक्सवैगन वर्टू सेडान, और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें हमारे सेक्शन न्यूज व्हील में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो इग्निशन में। आज के इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे BYD सील इलेक्ट्रिक कार से। इसे पिछले हफ्ते ही लॉन्च किया गया है, तो चलिए जानते हैं इस इलेक्ट्रिक सेडान में क्या है खास। तो फाइनली BYD ने सील को आज इंडियन मार्केट में 41 लाख रुपए एक शोरूम कीमत पे लॉन्च कर दिया है। ये वही कार है जिसको ऑटो एक्सपो में पहली बार दिखाया गया था। उस समय पे बहुत ढेर सारी ये गाड़ी सुर्खियों में थी और आज कंपनी ने इसको फाइनली लॉन्च कर दिया है। क्या कुछ इस गाड़ी में मिलता है खास, आइए आपको बताते हैं। BYD की तरफ से इंडियन मार्केट में पेश की जाने वाली ये तीसरी इलेक्ट्रिक कार है। इससे पहले कंपनी ने E6 MPV और Atto 3 SUV पेश की थी। लुक और डिजाइन की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक कार दिखने में काफी लंबी सेडान लगती है, जिसका लुक स्पोर्टी और फ्यूचरिस्टिक है। इसमें आपको WU फ्लोटिंग LED हेडलाइट मिल जाएगा। वहीं हेडलैम्प के नीचे ग्लिस्टरिंग रिपल लैम्प लगा हुआ है जो ओशन को डिफाइन करता है। साइड हैंडल में इलेक्ट्रॉनिक हिडन फ्लश डोर हैंडल दिया गया है, जिसे कई सुपरकार्स में देखा जा सकता है। इसमें 19 इंच के ब्लेड शेप में अलॉय व्हील दिए गए हैं, जो इस गाड़ी के ओवरऑल लुक को और भी ज्यादा आकर्षक बनाता है। इस गाड़ी के एक्सटीरियर में की गई हर डिजाइन किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका साइड मिरर, इसके साइड मिरर को वाटर ड्रॉप शेप में रखा गया है। वहीं रियर की बात की जाए तो इसमें बाउंडलेस LED टेल लाइट मिलती है। BYD सील की रियर प्रोफाइल स्पोर्टी है। अब आपको ले चलते हैं इंटीरियर की तरफ। इस इलेक्ट्रिक सेडान का इंटीरियर स्पोर्टी, स्पेशियस और लग्जूरियस है। इसके इंटीरियर को थॉमस ब्लैक थीम दिया गया है, जो ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक सी ऑफ गॉड को रिप्रेजेंट करती है। इसके गियर शिफ्टर को भी खास तरह से डिजाइन किया गया है, जो हार्ट ऑफ ओशन को रिप्रेजेंट करता है। इस गाड़ी की सीट भी काफी खास है, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है और सीट मेमोरी फंक्शन, वेंटिलेशन और हीटिंग को सपोर्ट करती है। दूसरी केबिन सुविधाओं की बात करें तो इसमें ड्राइवर के साइड में हाइट एडजस्टेबल कप होल्डर दिए गए हैं। सील ईवी में 15.6 इंच का फुल LED स्क्रीन मिलता है, जो एक क्लिक पर सेल्फ रोटेट होने लगता है। वहीं ड्राइविंग साइड पर 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। केबिन के अंदर वायरलेस चार्जिंग की भी सुविधा है। Atto 3 की तरह ही सील का केबिन भी बेहतर है। सेंट्रल कंसोल में एक क्रिस्टल टॉगल ड्राइव सिलेक्टर और हॉट विंड स्क्रीन, ऑडियो सिस्टम के लिए वॉल्यूम कंट्रोल के साथ साथ दो वायरलेस चार्जिंग पैड दिए गए हैं। पीछे की सीटों में 60-40 स्प्लिट फोल्डिंग फंक्शन के साथ पावर टेलगेट, इसके अलावा बाहर बोनट के अंदर 50 लीटर तक का एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाता है। कलर ऑप्शन की बात करें तो BYD सील ईवी को 4 कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। इसमें ऑरोरा व्हाइट, कॉस्मोस ब्लैक और अटलांटिस ग्रे और आर्कटिक ब्लू कलर शामिल है। इस इलेक्ट्रिक कार में मेमोरी के साथ 8-way इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, डुअल जोन AC, हीटेड और कूल्ड फ्रंट सीटें, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, 10 एयरबैग्स, हिल होल्ड के साथ एक एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक वाइपर, एक 360 डिग्री कैमरा के साथ एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी दी गई है। कंपनी का दावा है कि इस इलेक्ट्रिक कार को यूरो NCAP क्रैश टेस्ट में 5-star रेटिंग मिली है। इसके अलावा इसको अलग अलग बैटरी पैक के साथ रियल व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव में पेश किया गया है। सील 2 बैटरी पैक के साथ पेश की गई है। इसके लोअर वेरिएंट में 61.44 kWh और हायर वेरिएंट में 82.56 kWh की क्षमता का बैटरी पैक दिया गया है। दोनों बैटरीज में BYD की पेटेंट ब्लेड टेक्नोलॉजी दी गई है। छोटे बैटरी पैक को रियर एक्सल मोटर के साथ जोड़ा गया है।
कंपनी का दावा है कि छोटा बैटरी पैक सिंगल चार्ज में 580 किलोमीटर तक की रेंज देता है और इसका इलेक्ट्रिक मोटर 204 एचपी की पावर और 310 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। तो ये तो रही BYD सील से जुड़ी सारी जानकारी। आपको इस गाड़ी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आप ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ आप ये बताइए कि क्या इस तरीके की और इस प्राइस रेंज की जो गाड़ी इंडियन मार्केट में आगे बढ़ने वाली है, इसका सेगमेंट कहां तक पहुंचने वाला है, आपकी राय हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये तो रही सील ईवी से जुड़ी सारी डिटेल्स। अब करते हैं कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट संजय गोपालकृष्णन से खास बातचीत। तो हमारे साथ हैं BYD के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट संजय गोपालकृष्णन जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस में। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जो मेरा आपसे पहला सवाल है वो यही है कि इतने कम प्राइस में आप इस तरीके की हाई परफॉर्मेंस कार कैसे लेकर आए? देखिए, हमें इंडियन कंज्यूमर्स को हम सेडान कैटेगरी, हम इसको सेडान नहीं कह सकते, हम इसको लग्जरी परफॉर्मेंस कार कह सकते हैं, क्योंकि हम सेडान कहेंगे तो उसको हमारा जो परफॉर्मेंस उसका कोएफिशिएंट हो वो कम हो जाएगा। सेडान मतलब प्लेन सेडान होता है, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस है, इसमें फीचर्स है, एक्सेलरेशन है। हमने सोचा इंडियन कंज्यूमर्स को, एक वाइड वैरायटी ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स को उसको टैप करना है, इसलिए हमने कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखा है इस तीनों मॉडल्स के लिए, और सब और सारे इंडियन कंज्यूमर्स को, वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर्स, जिसको परफॉर्मेंस देखना है वो टॉप एंड ले सकते हो, जिसको नॉर्मल चलाना है, सिटी में चलाना है, वो डायनेमिक ले सकते हो, डायनेमिक वेरिएंट ले सकता है जिसका रेंज 510 किलोमीटर से, और जिसको एक सिटी से दूसरा सिटी जाना है वो प्रीमियम रेंज जो 650 किलोमीटर वाला वो ले सकता है। सो अलग अलग कस्टमर के लिए हमने तीनों वेरिएंट लेके आ रहे हैं। एक सवाल बहुत ही खास है, क्योंकि ये जो सेडान सेगमेंट है इंडियन मार्केट का, वो SUV लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये भी मार्केट बहुत ही नया है, तो ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि 803 आपका अच्छा खासा रिस्पांस मिला था, तो क्या आप इसको एज एक्सपेरिमेंट तौर पे देख रहे हैं या फिर आप पूरी तरीके से एकदम रेडी होकर आए? नहीं, हम लोग देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी हमने किसी के पास अभी इस प्राइस रेंज में सेडान नहीं है। जैसे कॉम्पिटिशन के पास क्रॉसओवर है, SUVs है, ऐसे है, नहीं तो आप लग्जरी में जाए तो बहुत हाई प्राइस सेडान है, इलेक्ट्रिक सेडान दो है इंडिया में। तो इसलिए हमने सोचा इस प्राइस रेंज में जो अफोर्डेबल है, जो प्रीमियम लग्जरी SUVs भी खरीदते हैं, बड़ा बड़ा SUVs या प्रीमियम लग्जरी सेडान्स खरीदते हैं, दे इनको एक ऑप्शन दिया जाए इलेक्ट्रिक सेडान। वो नहीं कि रेंज कम है, रेंज भी अच्छा है, तो इसलिए फिर कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बहुत कम हो जाएगा सेडान में। लग्जरी सेडान या लग्जरी बड़े बड़े SUV में देखें तो आपको माइलेज कम मिलेगा, लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी रेंज अच्छा है, 650 किलोमीटर्स तक है। तो हमने सोचा एक ऑप्शन दिया जाए कस्टमर्स को लग्जरी परफॉर्मेंस सेडान इलेक्ट्रिक में। तो ये तो रही इस प्रोडक्ट के बारे में बात, अब बात करते हैं इसके डीलरशिप की, कि BYD इंडिया में कितना तेज़ी से ग्रो कर रहा है, कितने ढेर सारे डीलरशिप तक आप पहुँचे, और आने वाले टाइम में आपका क्या प्लान है? हमारे पास अभी 24 शोरूम्स है ऑल ओवर इंडिया। हमारा टारगेट है कि हम इस साल एंड तक, हम नंबर के हिसाब से नहीं कहना है, हमें कवरेज चाहिए। कवरेज मतलब 90% ऑफ दी EV मार्केट इंडिया में जहाँ पे भी बिकता है, हमें हर जगह उस जगह हमें पॉइंट्स चाहिए। तो हम उस हिसाब से प्लान करेंगे एक्सिस्टिंग डीलर्स के साथ भी, नए पार्टनर्स के साथ भी, ताकि हम बाय द एंड ऑफ द ईयर, थर्ड ईयर हमें, ये थर्ड ईयर ऑफ ऑपरेशन होगा, हम लोग करीबन 90% ऑफ दी डीलर एरिया कवर कर देंगे, विच इंक्लूड्स मेजर सिटीज, टायर 1 टायर 2, जहाँ पे EV का सेल है, EV का पेनिट्रेशन हो रहा है धीरे धीरे, बिकॉज वो भी टाइम लगता है, तो ऐसे हम सोच रहे हैं। तो बहुत ढेर सारी कंपनियां 2030 तक उनका प्लान है EV को लेकर, और आप EV से ही स्टार्ट किए इंडिया में, सो आपका कोई अपकमिंग प्लान लाइक कि 5 ईयर में हमें ये करना है, या फिर एक एक प्रोडक्ट पे ही आपका ज़्यादा फोकस है? नहीं, हम लोग एक्चुअली प्योर EV कंपनी है ग्लोबली, तो हम लोग EV पे ही फोकस करेंगे। जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा हम उस हिसाब से प्रोडक्ट्स ले आएंगे इंडिया में, एज़ पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट। हमारा ग्लोबल पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, तो जैसे जैसे हम इंडिया बढ़ेंगे ऐसे ही प्रोडक्ट ले आएंगे। ओके, थैंक यू। टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन को हाल ही में लॉन्च किया गया है, चलिए जानते हैं पुराने मॉडल से कितनी है ये अलग। इस समय मेरे साथ है टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट EV का डार्क एडिशन। ये गाड़ी बेहद ही खास है, इसमें कई नए चेंजेस किए गए हैं, इसके पूरे इंटीरियर एक्सटीरियर में कई बदलाव किए गए हैं, यहाँ तक कि अलॉय व्हील को भी रीडिज़ाइन किया गया है।
इस गाड़ी में क्या कुछ मिलता है खास आपको बताएंगे, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये गाड़ी एम्पावर प्लस LR यानी टॉप एंड मॉडल से 20,000 रुपये महंगी है, और इस गाड़ी में बहुत कुछ नई चीज़ें हैं जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। इंडियन मार्केट में टाटा मोटर्स की डार्क एडिशन कारों को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यही वजह है कि कंपनी अपने डार्क एडिशन पोर्टफोलियो का विस्तार करती नजर आ रही है। हाल ही में नेक्सॉन फेसलिफ्ट ईवी का डार्क एडिशन भारतीय बाजार में उतारा गया। इस खास एडिशन में डायमेंशन, पावर ट्रेन और रेंज में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। नेक्सॉन.ईवी डार्क एडिशन केवल टॉप एम्पावर्ड प्लस वेरियंट्स पर उपलब्ध है, जो लॉन्ग रेंज बैटरी पैक के साथ आता है। एक्सटीरियर में हुए चेंजेस की बात करें तो इसके बम्पर पर ब्रश किए गए सिल्वर इंसर्ट अब पूरी तरह से ब्लैक है। डार्क एडिशन है तो इस गाड़ी को ओवरऑल ब्लैक थीम मिलेगा ही। इसके टायर्स के डिजाइन में भी बदलाव देखने को मिला है। पंच ईवी पर हमने जो एक्रेलिक बैज देखा था उसने नेक्सॉन ईवी में भी अपना स्थान बना लिया है। हालांकि सफेद की बजाय गहरे क्रोम जैसा शेड मिलता है जो ब्लैक ऑल ब्लैक थीम की शोभा बढ़ाता है। टाटा नेक्सॉन ईवी डार्क एडिशन के खास फीचर्स की बात करें तो इसमें वायरलेस चार्जिंग पैड, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के लिए हिडन कैपेसिटिव टच पैनल और ब्लैक लेदर सीट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इंटीरियर की बात करें तो इस नए एडिशन में स्टैंडर्ड नेक्सॉन के डुअल टोन इंटीरियर की जगह इसमें ऑल ब्लैक थीम दिया गया है। इस मॉडल में केबिन में चारों तरफ डार्क बैज भी दिए गए हैं। टाटा नेक्सॉन ईवी डार्क एडिशन के पावर और बैटरी पैक में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें अभी भी पहले जैसी ही 40.5 kWh बैटरी पैक दिया गया है, जो 145 हॉर्स पावर और 215 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क जनरेट करता है। टाटा नेक्सॉन ईवी डार्क एडिशन को सिंगल चार्ज में 465 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने पहले हैरियर और सफारी SUVs के डार्क एडिशंस की भी लॉन्चिंग की थी। ये मॉडल्स पिछले साल अक्टूबर से मार्केट में उपलब्ध हैं। टाटा मोटर्स ने कीमतों में अपडेट नहीं किया है। टाटा हैरियर डार्क एडिशन की शुरुआती एक शोरूम कीमत 19,99,000 रुपए और टाटा सफारी डार्क एडिशन की शुरुआती एक शोरूम कीमत 20,69,000 रुपए है। सिग्नेशन में अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी सभी लेटेस्ट खबरें। डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं। के बाद आप सभी का स्पेशल शो में स्वागत है। Volkswagen Virtus ने हाल ही में एक नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया है। आइए जानते हैं इस सेडान से जुड़ी सारी डिटेल्स। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है Volkswagen Virtus। दो इंजन ऑप्शन के साथ आती है, 1.5 TSI एंड 1.0। फिलहाल आज जिस गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ ये है 1.0 TSI इंजन। सी सेगमेंट में आने वाली ये सेडान अपने टाइमलेस डिज़ाइन के लिए जानी जाती है, और इसका जो 1.0 लीटर इंजन है जिसको फिलहाल मैं अभी टेस्ट ड्राइव कर रहा हूँ, इसका जो परफॉर्मेंस है बेहद ही कमाल का है। सुनने में लगता है कि 1.0 लीटर का है तो परफॉर्मेंस कितना कम होगा, लेकिन ये 1.5 लीटर इंजन को कम्पीट करती है। क्या कुछ है इस गाड़ी में, आपको पाँच बड़े पॉइंट्स में बताएंगे, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँगा कि ये सेडान कार किस लिए चर्चा में है। तो शुरुआत करते हैं इसके लुक और डिजाइन से। देखने में ये सेडान कार लंबी और क्लासी नजर आती है। इसके चारों तरफ क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है जो गाड़ी के ओवरऑल लुक को एनहांस करते हैं। फ्रंट ग्रिल और विंडो लाइन में लगे क्रोम से भी अलग अट्रैक्शन पैदा होता है, खासतौर पर अगर आपके पास इसका ब्लैक कलर वाला मॉडल हो। फ्रंट और रियर में LED लाइट्स मिलती है। इसमें 45 लीटर का फ्यूल टैंक भी मिलता है जो आपको लॉन्ग ट्रिप या फिर आप किसी ऐसी जगह क्रूज कर रहे हैं जहां पेट्रोल पंप की व्यवस्था कम हो या ना हो तो वहां भी आपको हेल्प कर पाएगा।
Volkswagen Virtus कुल 8 कलर्स में आता है। इसमें रिफ्लेक्स सिल्वर, राइजिंग ब्लू मेटालिक, येलो, ब्लू, व्हाइट, ग्रे, रेड, डीप ब्लैक पर्ल कलर शामिल हैं। इस कार के फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ECS, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा, चाइल्ड लॉक, चाइल्ड आइसोफिक्स सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, 8 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टच बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो डिमिंग OVRM, कूल्ड ग्लोब बॉक्स, ऑटो हेडलैम्प मिलते हैं। दूसरे फीचर्स में फुल लेदर अपहोल्स्ट्री, फ्रंट साइड एयरबैग्स और कर्टन एयरबैग्स, इसके अलावा हाइट एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट, ऑटो डिमिंग, रियर व्यू मिरर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सनरूफ वगैरह शामिल हैं। हालांकि ये फीचर्स टॉप स्पेक GT प्लस ट्रिम में मिलते हैं। पिछले महीने वर्टस ने एक नया नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया था, जहां इस गाड़ी ने मात्र 24 घंटे में 4600 से भी ज्यादा किलोमीटर का सफर तय किया था। हालांकि जिस मॉडल का टेस्ट ड्राइव किया गया वो 1.5 लीटर इंजन वाला मॉडल था। सेडान सेगमेंट में अभी भी इस गाड़ी के परफॉर्मेंस को लेकर लोग इसे काफी पसंद करते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें 999cc का 1.0 लीटर TSI 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो जनरेट करता है 140 BHP की पावर और 178 Nm की पीक टॉर्क। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये 22 किलोमीटर प्रति लीटर से भी ज्यादा का माइलेज देती है। इसको कंपनी ऑटोमेटिक और मैनुअल गियरबॉक्स में ऑफर करती है। ये गाड़ी भारतीय बाजार में मारुति की सियाज, ह्युंडई वर्ना और होंडा सिटी जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देती है। होंडा सिटी फेसलिफ्ट के लॉन्च होने के पहले तक ये गाड़ी अपने सेगमेंट में सबसे लंबी हुआ करती थी। इसकी लंबाई 4561 mm अपने सेगमेंट में सबसे लंबी डायमेंशन वाली सेडान बनाती है। लेकिन 2023 में जब होंडा सिटी फेसलिफ्ट देश की सबसे लंबी सेडान के तौर पर लॉन्च हुई तो उसकी लंबाई 4585 mm रखी गई। बाकी चौड़ाई और ऊंचाई दोनों होंडा सिटी और फॉक्सवैगन की एक जैसी ही है। अब बात कर लेते हैं इसकी कीमत की, तो फॉक्सवैगन वर्टस की कीमत 13 लाख रुपए एक शोरूम के आसपास शुरू होती है और लगभग 22 लाख रुपए ऑन रोड तक जाती है। ये तो रही फॉक्सवैगन वर्तुस से जुड़ी 5 बड़ी बातें। फिलहाल ये जो सेडान सेगमेंट है वो इंडिया में उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। फिलहाल एक समय था जब सेडान गाड़ियों के लिए लोग एकदम पागल हुआ करते थे, लेकिन जब से SUV गाड़ियों ने कदम रखा है तब से लोगों का उसका जो स्पोर्टी लुक है, उसका जो रोड प्रेजेंस है, उसकी तरफ ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जो सेडान लवर्स हैं वो SUV की तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि इसका एक अलग ही रुतबा है। देखते हैं 2024 में इस तरीके के गाड़ियों का कैसा सेल्स होता है, क्या रिस्पांस रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नए सेगमेंट और नए कार के साथ। सो फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है हमारे खास सेक्शन न्यूज व्हील का। यहाँ आपको बताएंगे उन टॉप खबरों के बारे में जो इस हफ्ते ट्रेंड हो रही है, तो चलिए देखते हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे के खास मौके पर JK टायर्स और वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन ने रैली टू वैली इवेंट का आयोजन किया। इसमें लगभग 300 महिलाओं ने अलग अलग थीम पर मुंबई से पुणे तक का सफर किया। इस रैली में लगभग 100 गाड़ियां थी जिन पर पोस्टर और बैनर्स लगाकर महिलाओं ने लोगों को जागरूक किया। प्रतिभागियों ने वुमेन सेफ्टी, मेंटल हेल्थ, सपोर्ट फॉर फार्मर्स और बेटी बचाओ जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए इस मंच का उपयोग किया। बजाज ऑटो ने अपनी पल्सर NS सीरीज को रिफ्रेश कर दिया है। अब 2024 वाले मॉडल अपने नए अपडेट्स के साथ आएंगे और इनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। नए अपडेट्स में पल्सर NS 125, पल्सर NS 160 और पल्सर NS 200 के नाम शामिल हैं। इन तीनों बाइक्स में अब अपडेटेड लाइटिंग सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलने वाले हैं। नए मॉडल्स के एक शोरूम कीमतों की बात करें तो पल्सर NS 200 की नई कीमत 1,57,427 रुपए है। वहीं पल्सर NS 160 की कीमत 1,45,792 रुपए है।
इसके अलावा पल्सर NS125 की कीमत 104,922 रुपए से शुरू होती है। ये सभी कीमतें दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस हैं। 2024 पल्सर NS सीरीज के सबसे बड़े अपडेट की बात करें तो इसकी लाइटिंग सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। मोटरसाइकिल्स में अब इंटीग्रेटेड LED डे टाइम रनिंग लैंप के साथ एक नया LED हेडलैम्प मिलता है जो एडवांस LED यूनिट्स के साथ हैलोजन टर्क इंडिकेटर्स की जगह लेता है। हालांकि इन मोटरसाइकिल्स के टेल लैंप में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसमें पहले जैसे ही LED टेल लैंप्स मिलते हैं। नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बेहतर लाइटिंग के अलावा बजाज ने पूरी रेंज में एक नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पेश किया है। इस एडवांस डिस्प्ले को पहली बार पल्सर N160 और पल्सर N150 में देखा गया है। इसके जरिए ग्राहक नोटिफिकेशन, कॉल मैनेजमेंट और टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं। केवल पल्सर NS200 और NS160 बजाज राइड कनेक्ट एप्लीकेशन के माध्यम से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से लैस है। इसके अलावा USB पोर्ट के शामिल होने से चलते फिरते मोबाइल डिवाइसेस को चार्ज करने की सुविधा भी मिलती है। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से लेकर कोई भी सवाल हो तो हमें X और Facebook पे रीच आउट करिए, हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे।